फैसल भाई के जो ईदी होम्स के नाम से दुनिया जानती है उधर बच्चों से मुलाकात करूंगा, तो मैंने फैसल भाई से रिक्वेस्ट की थी कि हम यहाँ आना चाहते हैं, बच्चों के साथ चंद लम्हे गुजारना चाहते हैं, इनको कुछ चॉकलेट्स देना चाहते हैं। तो फैसल भाई ने एग्री किया और आज हम यहाँ इन बच्चों के साथ हैं। इन बच्चों के साथ जाहिर है ईद इनके पेरेंट्स तो नहीं हैं, मगर ये सब जो यहाँ इनके इनका ख्याल रखते हैं वो पेरेंट्स ही बने हुए हैं, पेरेंट्स जैसे ही हैं। फैसल आपकी वाइफ हैं, उनकी बहन हैं, पूरा इनका उनकी एक टीम है, इनकी अम्मी हैं सबसे बढ़कर जो इन बच्चों का ख्याल रखते हैं। ये तकरीबन 50 के करीब बच्चे हैं, लड़के और लड़कियाँ, जो यहाँ तालीम भी हासिल करते हैं, यहाँ परवरिश हो रही है इनकी, कुरान की तालीम हासिल करते हैं। उसके बाद इनके इंटरटेनमेंट भी हैं। इनको फैसल भाई जो विलेज है इनका, ईदी विलेज, उधर भी लेके जाते हैं इनकी इंटरटेनमेंट के लिए। तो ये वहाँ से कल होके आए हैं, आज हमने प्लान किया था, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इनकी परवरिश हो रही है ये बड़े होके अब इस माशरे में एक किरदार इनका होगा इंशाल्लाह, और इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस शहर की बेहतरी के लिए ये इनका कंट्रीब्यूशन भी ज़रूर होगा। तो मैं फैसल भाई को कहूँगा कि कुछ इस पे। नहीं, मेरा काम नहीं था, मगर मीडिया के तवस्सुस से मुझे ये पता चला कि एक बैनर पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे मेरा लगा हुआ है, जिस पे मैंने अवाम को ईद की मुबारकबाद दी है, उसके लेफ्ट साइड पे 3-4 दिन में बहुत सारा कचरा जमा हो गया था। अब उसका बैकग्राउंड क्या था ये आप लोग भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये एक इस तरह से किया भी जा रहा है जो कि नहीं करना चाहिए, बैड नेम देने के लिए जान के वहाँ कचरा डालना, तो खैर ये अच्छी बात हो गई। उन्होंने जिसने भी किया था वो तो एक सोच से किया था, मुझे मौका मिल गया कि वो एक कचरा जो लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है वो हमने फौरन रिमूव करवाया वहाँ से, और अभी आप अगर कैमरा भेजेंगे तो वहाँ कोई कचरा नहीं है, क्लियर है वो। तो निशानदेही की, मीडिया का काम भी है निशानदेही करना, अच्छी बात है। जहाँ जहाँ निशानदेही करती है मीडिया, हम वहाँ उस इशू को एड्रेस करते हैं। तो इस ये टीम वर्क है, इस तरह से मुझे पता चलता रहता है, मगर मेरा काम भी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के पास है कचरा उठाना, सिंध गवर्नमेंट के पास है कराची का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सिंध गवर्नमेंट देख रही है पिछले 10 सालों से, इसी वजह से कराची का जो हाल है वो सबके सामने है, मगर हम कराची को इस तरह छोड़ नहीं सकते। जहां मैं कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। अभी नालों की सफाई हमने शुरू नहीं की है, इंशाल्लाह कल के बाद आप देखोगे नालों की सफाई शुरू हो जाएगी। जो 38 नाले हैं मेजर, उनकी प्लानिंग कर ली गई है, मैंने इमरजेंसी भी डिक्लेयर की है, उस पर एक प्रेस ब्रीफिंग की थी। हमारी सारी जो प्लान्स हैं वो रेडी हैं इन 38 नालों के लिए, तो इंशाल्लाह मानसून से पहले ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। मैं वसीम भाई को जो है खुशामदेद कहता हूं और ईद मुबारक भी कहता हूं कि आज जो है वो हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये वाहिद मेरे ख्याल से कोई ऑफिशियल शख्स है जो कि आए हैं ईदी सेंटर बच्चों के साथ ईद मनाने के लिए, तो ये क्रेडिट इनको जाता है और दिली जो है वो मुबारकबाद देता हूँ ईद की जो है वो इनको, और जो है वो इंतहाई खुशी का मौका है हमारे लिए कि इन्होंने हमें याद रखा और मुस्तकबिल में भी जो है वो हमें याद रखेंगे, और इन्होंने हमें कराची के अंदर कभी भी कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, तो ये फौरन जो है वो उसको हल करते हैं, और ये क्रेडिट है इनको कि जो है वो कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, इनकी जो है वो अप्रोच में ना हो तब भी जो है ये एंटरटेन करते हैं हमें, तो ये यहाँ पर आए हैं तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक बात और कहूँगा, आप चैनल के तवस्सुस से जो ईदी सत्तार ईदी साहब मरहूम, इनका पूरी दुनिया में काम है, इनका जो ये इंस्टीट्यूशन बना हुआ है फलाही, ये पूरी दुनिया में काम करते हैं, पाकिस्तान में काम करते हैं, इस शहर में काम करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे मुल्क के मुखैर हजरात से, कराची के मुखैर हजरात से, कि ईदी ट्रस्ट को सपोर्ट करें, क्योंकि जितना काम ये कर रहे हैं
इनकी जिम्मेदारी भी नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होती है एम्बुलेंस सर्विस देना, मगर पूरे मुल्क में खासतौर पर मैं कराची की बात करूंगा, सबसे ज्यादा इनकी जो सर्विसेज हैं चाहे वो मैयत गाड़ी हो चाहे वो एम्बुलेंस हो वो फाल हैं, तो इनको सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट करती नहीं है। तो जो मुखियर हजरात हैं वो खुल के इनकी सपोर्ट करें ताकि ये जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं 98% लोगों की जो मुश्किल में हैं, बीमारियों में मुबतला हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसलों को ईदी ट्रस्ट जो है वो मैं समझता हूँ हल करता है और हल करने में सबसे आगे होता है। गवर्नमेंट भी नजर नहीं आती, ये नजर आते हैं, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। जहां तक केएमसी का ताल्लुक है, हम ऑल आउट ईदी ट्रस्ट के साथ हैं, जो भी काम होगा इंशाल्लाह हम साथ खड़े होंगे इनके। बहुत दफा ये हल दे चुका हूं, जब मैं होम एडवाइजर था तो मैं खुद करता था, इसका मुस्तकिल हल अकेला कोई नहीं कर सकता। 144 लगती है, अनाउंस होती है जब भी मानसून आता है या हाई टाइड्स होती हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पुलिस की जिम्मेदारी होती है। पुलिस तो बल्कि उस 144 का इंप्लीमेंट तो दूर की बात है, बसेस भरी हुई लोगों से छोड़ देते हैं हॉक्सबे की तरफ, जाने देते हैं। और फिर आवाम को भी चाहिए, जब नजर आ रहा है हाई टाइड है, पानी खतरनाक है, तो उसके अंदर ना जाएं, उससे दूर रहें। 144 लगा हुआ है, कमिश्नर साहब 144 लगाते हैं, मगर उसकी जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए नहीं होती। हमारे पास रेस्क्यू के लिए अबाउट 48 लोग हैं, जिसमें से 32 जो डाइवर्स हैं वो ऑन बीचेस होते हैं। बहुत लंबा स्ट्रेच है, 10 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच है। कुछ इलाका जहां कल हादसा हुआ है वो कैंटोनमेंट का इलाका था, मनोड़ा का इलाका था, वहां कैंटोनमेंट जिम्मेदार है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है वहां का। जहां का कंट्रोल है वहां हमारे लोग मौजूद होते हैं, जहां जहां रश होता है वहां मौजूद होते हैं, मगर सोल्यूशन ये नहीं है। सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन के लिए हकूमत को स्टेप्स लेने होंगे इस पे। 144 की इम्प्लीमेंटेशन अवाम पे डिपेंड करता है, अवाम को भी चाहिए कि दूर रहे समंदर से। जब नजर आ रही है एक इतनी बड़ी लहर तो क्यों घुसना है उसमें, वो तो जाहिर है फिर मौत ही सामने नजर आती है। तो अवाम को भी चाहिए कि पीछे रहें और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि सही तरह से अपने जो रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कराएं। कमिश्नर करता है, कमिश्नर करता है, उन्होंने नहीं, कमिश्नर करता है, केएमसी नहीं करता, महकमा पुलिस का काम, पुलिस का काम है। तो वो उस तरह, पहले मैं देखता था पुलिस का काम, तो मैं घोड़ सवार पुलिस होती है उसको मैं पाबंद रखता था बीच की तरफ, ताकि वो उनको लहरों से, समंदर से, पानी से दूर रखें। पुलिस को चाहिए, मोबाइल्स वालों को चाहिए कि क्लिफ्टन पे देखें जाके कि कौन लोग जो है वो पानी के अंदर जा रहे हैं, उनको वापस बुलाया जाए। ऊंट है, ऊंट की सवारी होती है, उसमें पुलिस को चाहिए कि गश्त करें। तो ये मेजर्स हैं, लेने पड़ेंगे, ओनरशिप शो करनी पड़ेगी, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, इसी वजह से ये हादसे होते हैं। सर, आपने मीडिया की निशानदेही का कहा, कौशल नियाजी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी बहुत खतरा है, उसकी भी फेसबुक पे और मीडिया सोशल मीडिया पे चीजें हो रही हैं, तो इसके हवाले से जहां जहां ये चीजें हमें नजर आ रही हैं हम एड्रेस कर रहे हैं उसको। हालांकि सिंध गवर्नमेंट के पास है कचरा उठाना, मेरे पास नहीं है, फिर भी जाहिर शहर मेरा है, हम करेंगे इंशाल्लाह, जहां जहां कर सकेंगे करेंगे। थैंक यू।